नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉक हिंदी न्यूज। दोस्तों, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज टचडाउन करेंगे एयरफोर्स के विमान। लखनऊ को आगरा से जोड़ने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज वायुसेना के 15 लड़ाकू और 2 परिवहन विमान टचडाउन करेंगे। वायुसेना का अभ्यास सुबह 10 बजे शुरू होगा और दोपहर 12 बजे तक चलेगा। सुरक्षा वजहों से इस हाईवे पर दोपहर 2 बजे तक यातायात बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश में इस तरह का अभ्यास तीसरी बार हो रहा है। पहली बार 2015 में मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस पर भी वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज 2000 टचडाउन करके उड़े थे। पिछले साल नवंबर में तो इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन ही लड़ाकू विमानों के टचडाउन से हुआ था। पिछली बार 3 सुखोई और 3 मिराज विमानों ने टचडाउन किया था। इस बार इस जगह पर वायुसेना बड़ा अभ्यास करने जा रही है। इस बार विमानों की तादाद बढ़ाकर 15 कर दी गई है। इस बार स्पेशल ऑपरेशन के लिए बने परिवहन विमान भी उतरेंगे और फिर उड़ान भरेंगे। टचडाउन का मतलब है विमान का जमीन को छूकर वापस उड़ जाना। लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर उन्नाव के पास वांगरमऊ में हाईवे पर यह अभ्यास होने जा रहा है। पिछले साल भी इसी जगह पर अभ्यास हुआ था। इसकी वजह इस जगह पर करीब 4 किलोमीटर का हाईवे रनवे जैसा ही तकनीकी तौर पर मजबूत और सॉलिड होना है। किसी और जगह पर लड़ाकू या परिवहन विमान टचडाउन नहीं कर सकते हैं। इस अभ्यास का मकसद इमरजेंसी हालात के लिए तैयारी है। ऐसे मौकों पर जब रनवे पर विमान न उतर सके तो ऐसी जगहों पर लड़ाकू विमानों को आसानी से उतारा जा सके। अभ्यास की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी। सबसे पहले अमेरिका से लिया गया वायुसेना का परिवहन विमान C-130 एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा। यह एक ऐसा विमान है जो बहुत छोटे रनवे और कच्चे रनवे पर भी उतर सकता है। परिवहन विमान से कमांडो गरुड़ भी उतरेंगे। इसके बाद दुश्मन के खेमे में नीचे तक घुसकर मार करने वाले 3 जगुआर टचडाउन करेंगे। इसके बाद बारी आएगी 3 मिराज 2000 की, वे भी टचडाउन करके टेक ऑफ करेंगे। इसके बाद 3 मिराज ऐसा ही कारनामा करेंगे। मिराज 2000 के बाद वायुसेना का अंग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान 3 सुखोई टचडाउन करेंगे। फिर 3 और सुखोई जमीन छूकर निकल जाएंगे। अंत में फिर C-130 आएगा और उसमें सवार होकर वायुसेना के कमांडो गरुड़ निकल जाएंगे। वायुसेना की योजना है कि अब देश में जहां कहीं भी ऐसे एक्सप्रेसवे बने उसमें रनवे भी बने ताकि जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमान उतर सकें। फिलहाल देश भर में ऐसे 12 हाईवे बनाए जा रहे हैं जहां जरूरत पड़ने पर विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है। खासकर जंग जैसे आपात हालात में जब एयरबेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे रनवे का बखूबी इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर किया जा सकता है।